वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ हैंगर, सूत और कलरफुल ऊन। आप कोई भी अपनी पसंद के रंग चूज़ कर सकते हैं। मैं इसका फ्रेम बनाऊंगी। आप इसका फ्रेम बना बनाया भी ले सकते हैं, उस पर भी आप बना सकते हैं। ये वाला जो फ्रेम होता है ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम है। एक फ्रेम में से दो बन जाते हैं, ये दो निकल आए हैं, एक के बीच में एक होता है, तो इसमें से आप दो ड्रीम कैचर बना सकते हैं। मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं हैंगर से बनाऊँगी। हैंगर का बनाने के लिए मैं यहाँ पर कट कर दूँगी वायर कटर से। ये जो इसकी नेक है यहाँ से, ये यहाँ से मैं इसको काट दूँगी और यहाँ से भी मैं इसको काट दूँगी, जितनी भी मुझे लंबाई चाहिए। और काटने के बाद मैं कोई भी ऐसा बर्तन लूँगी राउंड और इसके ऊपर इसको लपेट के इस हैंगर को फ्रेम की शेप दे दूँगी। मैंने हैंगर का ये पीस काट दिया और ये वाला उसके नेक वाला पीस भी काट दिया। और जो मेरे पास वायर बची थी मैंने बर्तन के ऊपर लपेट के इसको गोल शेप दे ली है। ये बिल्कुल इस फ्रेम की तरह बन गया है। अब इसे मैं यूज़ करूँगी अपना ड्रीम कैचर बनाने के लिए। सबसे पहले मैं इन दोनों एंड्स को आपस में जोड़ूंगी। उसके लिए मैं टेप लूँगी और इसके एंड्स पे लपेट दूँगी। सबसे पहले मैं इसके एंड्स को जोड़ूंगी आपस में, तो उसके लिए मैं टेप लूँगी और इसके एंड्स पे लगा दूँगी। मेरा फ्रेम तो रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ये सूत लपेट दूँगी। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे गांठ लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने लगा दी एक नॉट। अब ये यहाँ से सरकेगा नहीं, इसको फिर भी थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा। और फिर मैं इसको इसके आसपास यूँ लपेट दूँगी, बिल्कुल साथ साथ रख के इसको ऐसे करना है, लपेटना है। आप इसे जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, इसको लेंगे तीन चार बार ऐसे करके घुमाएंगे, घुमा लिया। अब इसको यहाँ से पकड़ के टाइट कर देंगे, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ और मेरा ये जो धागा है ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ पे ये धागा एक्स्ट्रा था, जहाँ पे हमने गांठ लगा के स्टार्टिंग की थी। तो इसको अगर ऐसे ही छोड़ दे या लास्ट में हमने यहाँ से इसको कट कर दिया तो इसके खुलने का डर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे वायर के साथ लगा देंगे और इसके ऊपर ही धागे को रोल कर देंगे। ऐसा करने से ये खुलने का डर नहीं रहेगा। ये हमारा हो गया है पूरा। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ अंगूठा रख के पकड़ लेंगे और इसको बीच में से निकाल के ऐसे गांठ लगा लेंगे। एक और लगा लेंगे। अब हम इसे
ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि जब बाद में मैं इसको लगाऊंगी कहीं पे भी हैंग करूंगी तो ये सही रहेगा। अब हम इसके बीच में नेट का डिज़ाइन डालेंगे। उसके लिए मैं वाइट यार्न ले रही हूँ। इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहीं से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। इसको ऐसे ही नोट लगा लेंगे। अब मैं इसके ऊपर 8 मार्किंग्स लगा लूँगी। एक तो बिल्कुल इसके सामने और ये दो यहाँ पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, एक इन दोनों के सेंटर में, एक इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में और इन दोनों के सेंटर में। अब मैंने मार्किंग्स तो लगा ली हैं। अब मैं ये ऊन लूँगी, जहाँ पे मैंने मार्क लगाया वहाँ पे उंगली रख के इसको ऊपर से, और फिर जब नीचे से ऊपर लाएंगे तो यहाँ से नहीं लाएंगे, इस लूप के बीच में से लाएंगे। तो मैंने ऐसे कर लिया, ये यहाँ पे टाइट हो गया है। यहाँ से इसको लूज़ नहीं छोड़ना है, इसको पकड़ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। मैंने यहाँ नेक्स्ट पकड़ लेती हूँ। ऐसे ही ऊपर से निकालेंगे और जब नीचे से निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे टाइट। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसको निकाल के यहाँ पे एक गांठ लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने एक गांठ लगा ली है। अब हमारा एक सर्कल था जो वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट के लिए अब इतना बड़ा गोला तो यहाँ से नहीं निकलेगा। अब हम धागा ले लेंगे, थोड़ा सा धागा ले लेंगे, उसको सुई में पिरो लेंगे। सेम तरीके से यहाँ से करेंगे, इन दोनों के सेंटर में लूप बनाएंगे यहाँ पर, और ऐसे नीचे से डालेंगे और जब ऊपर से निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे और इसको सेंटर में ही टाइट कर देंगे। ऐसे ही हम अंदर सारे के सारे सर्कल्स बना लेंगे। ये यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब मैं इसमें एक मोती लगा दूंगी सेंटर में। फ्रेम मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसके नीचे हैंगिंग लगाऊंगी, वो मैं इससे बनाऊंगी। हैंगिंग्स बनाने के लिए मैं उंगलियों को इतना खोलूंगी और ऊन को ऐसे ऐसे करके लपेट लूंगी। और फिर बीच में इसके धागा डाल दूंगी
और इसी के साथ मैं इसको बांध दूंगी। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा काट लूंगी, इसमें धागा डाल दूंगी ऊपर, और फिर ये जो एक्स्ट्रा काटा है ऐसे करके इसके साथ बांध दूंगी। और फिर नीचे से काट लेंगे बराबर, और ये जो बड़ा हुआ है इसको भी बराबर काट लेंगे। और इसको यहाँ पे लगा लेंगे। मैंने सारे टेसल बना लिए हैं, अब मैं इनको यहाँ पर अटैच कर दूँगी और मेरा ड्रीम कैचर बस बनने वाला है। मेरा ड्रीम कैचर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, तो ऐसे बनाया है मैंने अपना ड्रीम कैचर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए। टाटा।